दोस्तों, किडनी फेलियर का एक परमानेंट इलाज वो है किडनी ट्रांसप्लांट, या फिर जो लोग ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स नहीं हैं उन लोगों को मजबूरी में डायलिसिस पे रहना पड़ता है। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद जो एक नया नया गुर्दा जो है शरीर के अंदर, वो कितने साल चलता है, वो एक उसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 12 से 13 साल रहता है। तो क्यों जो नई किडनी है वो सारी उम्र नहीं चलती, एक बार गुर्दा लग गया क्यों वो सारी उम्र नहीं चलता है? उसका कारण है किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। रिजेक्शन क्या होता है, उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। जो एक नया गुर्दा है, एक नया अंग बॉडी के अंदर लगा है, बॉडी का काम है उससे फाइट करना। बॉडी जो है एक एक इस तरीके से ट्रेंड है कि उसके लिए शरीर के अंदर कुछ भी, उसकी शरीर के अलावा कुछ भी नया अंदर उसके अंदर आएगा वो इसको एज अ थ्रेट मानती है। मान लीजिए बॉडी के अंदर कोई नए बैक्टीरिया, कोई नए वायरस आ रहे हैं, तो बॉडी उसको एनिमी की तरह ट्रीट करती है। वो उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसके जो बॉडी गार्ड्स हैं, बॉडी के जो उसके वॉरियर्स हैं, वो उसको फाइट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से जब भी एक नया गुर्दा बॉडी के अंदर लगाया जाता है, बॉडी उसको एक थ्रेट की तरह मानती है और उसको हमेशा एक जंग चालू रहती है बॉडी की उस नए गुर्दे के खिलाफ। तो एज अ डॉक्टर्स हम उसको रिजेक्शन को कैसे उसका इलाज करते हैं कि हम कुछ मेडिसिंस देते हैं जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, ताकि वो नए गुर्दे से लड़ाई ना करे, उसको नुकसान ना पहुंचाए। इसको हम मेडिकल भाषा में इम्यूनो सप्रेसेंट्स कहते हैं। तो जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उसको कैसे पता चलता है कि मुझे रिजेक्शन तो नहीं हो रहा है, कि क्या मेरी बॉडी उस गुर्दे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जो भी सिम्टम्स हैं अनफॉर्चुनेटली किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के, वो बहुत सटल होते हैं, बहुत मामूली होते हैं। कई बार वो जो सिम्टम्स हैं, कई बार वो दूसरी चीज़ों की तरह ही होते हैं, दूसरे बीमारियों की तरह ही होते हैं, इसलिए वो कई बार वो मिस भी हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं? नंबर एक, आपको लगता है कि आपको कुछ बुखार हो गया। अब बुखार आने के कई कई सारे कारण हैं, तो इसलिए हम जो ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स, हमको बताते हैं कि आपको कोई भी फीवर जो है आपको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से उसके बारे में बात कीजिए। इसके अलावा बॉडी में फ्लू जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे वायरल होता है कि बॉडी एक्स हो रही है, हेड एक्स हो रही है, शिवरिंग हो रही है, ये सिम्टम्स भी रिजेक्शन की तरफ जाते हैं। इसके अलावा जहाँ पे नई किडनी लगी हुई है वहाँ पे अचानक से दर्द होना शुरू हो गया, या फिर बॉडी के अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो गई, आपका जो यूरिन आउटपुट है वो कम होना शुरू हो गया, ये सारे सिम्टम्स रिजेक्शन की तरफ जाते हैं। जो मेन सिम्टम है, जो मेन साइन है, वो है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन जो है वो किडनी कितना फंक्शन कर रही है उसका एक ब्लड टेस्ट होता है, और अगर क्रिएटिनिन राइज कर रहा है एक नॉर्मल रेंज, या जो आपका एक पहले जो एक बेसलाइन वैल्यूज थी उसके ऊपर जाता जा रहा है, तो वो रिजेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। दो किस्म के रिजेक्शन होते हैं, एक्यूट रिजेक्शन और क्रॉनिक रिजेक्शन। एक्यूट रिजेक्शन जो होता है ट्रांसप्लांट के पहले 12 महीने में होता है, आमतौर पर ये किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स ले रहे हैं उसकी मात्रा कम या ज़्यादा होने से हो सकता है। तो आमतौर पे अगर हम जो रूट कॉज है वो ट्रीट करें तो एक्यूट रिजेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई इन्फेक्शन है उसको ट्रीट किया जाए, अगर इम्यूनो सप्रेसेंट्स की मात्रा बॉडी के अंदर ज़्यादा है, जो कि हम एक ब्लड टेस्ट द्वारा जान सकते हैं, तो उसकी हम मात्रा एक एक जो रेंज है उसके अंदर रखें तो रिजेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा जो क्रॉनिक रिजेक्शन है, क्रॉनिक रिजेक्शन होता है कि वो बॉडी जो किडनी के साथ फाइट करती जा रही है, वो एक हल एक एक लेवल की वो फाइट हमेशा चलती रहेगी, किसी टाइम पे जाके बॉडी एक दिन उस किडनी के ऊपर हावी हो जाएगी और उस किडनी को वो रिजेक्ट कर देगी। उसकी प्रिवेंशन कैसे करें? नंबर एक, जो भी साइंस एंड सिम्टम्स आपको मैंने अभी डिस्कस किए, जो इसके लक्षण हैं, वो हमेशा उसको इग्नोर ना करें। आप तुरंत अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उससे जरूर संपर्क करें कि मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं, ताकि उस चीज़ का टेस्ट करके कंफर्म किया जाए कि रिजेक्शन तो नहीं हो रहा और उसको हम ट्रीट कर पाएं। दूसरी चीज़, जो भी आपकी दवाइयां हैं उसको नियमित तौर पे लें, उसकी जो जिस टाइम पे लेना है, जिस मात्रा में लेना है, उसको आप रेगुलर डिसिप्लिन तरीके से लें। काफ़ी बार क्या होता है, लोग मेडिसिन्स लेना को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। क्यों? उनको लगता है तो मैं ठीक हो गया, मैं मेडिसिन्स क्यों लूँ, बहुत खर्चा हो रहा है, मैं क्यों लूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है।
तो वो या तो दवाइयाँ इरेगुलर तौर पे लेना शुरू कर देते हैं या फिर वो मिस कर जाते हैं। दूसरी चीज़, कोई जो है रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर दूसरी कंट्री में रहते हैं, कई बार क्या होता है वो लोग वहाँ मेडिसिन नहीं मिली कुछ टाइम के लिए, कुछ कुछ क्राइसिस हुआ किसी प्रकार का, कुछ कुछ सिविल सिचुएशंस होंगी, पॉलिटिकल सिचुएशंस होंगी, शॉप्स बंद, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ कि शॉप्स बंद हो गई या फिर फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी एडिक्वेट, या कुछ वॉर लाइक सिचुएशन है, कई बार लोगों के पास एडिक्वेट उनकी सप्लाई ही नहीं रहती है मेडिकेशंस की। आप कहीं ट्रैवल करने चले गए, आप मेडिसिन लेके नहीं गए, दूसरी कंट्री में आपको मेडिसिन नहीं मिल रही, वो गैप आ गया, इस कारण से रिजेक्शन होना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है। तो ये चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो जो है क्राइसिस अवॉइड किया जा सकता है। इसके अलावा हेल्थी लाइफस्टाइल इस्तेमाल करना है, स्मोकिंग टोबैको किसी फॉर्म में नहीं लेना है, शराब का सेवन नहीं करना है और पेन किलर्स अवॉइड करने हैं, एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना है। आमतौर पे आपको अगर ब्लड प्रेशर या शुगर है, जो कि काफ़ी किडनी पेशेंट्स को होता ही है, उसको हमें रेगुलर तौर पे चेक करना है और उसे मेंटेन करना है, और रेगुलर इंटरवल्स पे अपना जो है ब्लड टेस्ट करवाने हैं, जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स की मात्रा है वो चेक करवानी है, ताकि वो एक आइडियल डोज में चलते रहें और उस चीज़ का इफेक्ट जो है ऑप्टिमल रहे किडनी के ऊपर। तो जब रिजेक्शन हम सस्पेक्ट करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, उस टाइम पे कुछ टेस्ट करने होते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स के लेवल्स क्या हैं बॉडी में वो चेक करते हैं, या फिर किडनी बायोप्सी करनी पड़ती है। किडनी बायोप्सी में क्या करते हैं, एक पतली नीडल किडनी जो नई किडनी है उसके अंदर पोक करते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में, और वहाँ से एक मांस के कुछ टुकड़ा लिया जाता है जिसको कि हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, ये जांच करने के लिए कि किस टाइप की रिजेक्शन हो रही है, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन है या टी सेल मीडिएटेड रिजेक्शन है, अलग अलग किस्म की रिजेक्शंस होती हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट के तौर पे क्या किया जाता है, जो बेसिकली जो रिजेक्शन हो रहा है वो बॉडी जो है किडनी को फाइट कर रही है, तो बॉडी की इम्यूनिटी को दबाने की कोशिश की जाती है बाय वे ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के द्वारा बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको कम किया जाता है। अब ये दोधारी तलवार है, एक तरफ जो है कि वो बॉडी को रोक रहा है कि किडनी को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो चुकी है आपको दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए वो बैलेंस करना पड़ता है और उसके फायदे और नुकसान हो सकते हैं, अक्सर इस चीज़ के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो इसका ये प्रोसेस रहता है। कभी कभी ये सब करने के बावजूद भी जो है अल्टीमेटली बॉडी वो जंग जीत जाती है और वो गुर्दे को एक परमानेंटली डैमेज कर जाती है, और उस केसेस में कभी कभी जो है गुर्दे को निकालना भी पड़ता है, और एक बार जब वो गुर्दा काम करना बंद हो गया है तो उसके बाद ऑप्शंस होते हैं कि इनिशियली तो हम डायलिसिस पे वापस लेके आते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद सेकेंड ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब कई बार जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो यंग एज में होता है, सेकेंड ट्रांसप्लांट हुआ तो कई लोगों का थर्ड ट्रांसप्लांट भी होता है, तो ये चीज़ें जो हैं पॉसिबल हैं, लेकिन एज अ किडनी ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट अगर आपका गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है तो आपको रिजेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स पता रहने चाहिए, आपको अवेयर रहना चाहिए, कुछ भी ऐसे बदलाव लगे तुरंत अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से मिलें और उसका तुरंत इलाज करवाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, फोर्टिस हॉस्पिटल, बसंत कुंज, नई दिल्ली।